मैथ का बैच परसों से स्टार्ट तुम लोगों का? यस सर। रिएक्शंस ऑफ एनिमल्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, 9th 10th में भी पढ़ी होंगी, वो भी कवर होंगी इसके अंदर। क्वालिटेटिव के अंदर काफी बड़ा यूज होगा इसका। तो ये रिएक्शंस ऑफ एनिमल्स खत्म करना है अभी। टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सही ना? जैसे एनिमल्स अगर मैं डालता हूँ किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में एनएच डाला, तो जैसे मान चलो मैंने वाटर के अंदर पहले एनएच को ऐड किया, और सबको पता है कि अल्कली मेटल्स जो हैं इनके कंपाउंड मैक्सिमम सॉल्युबल होता है। एन ए प्लस अलग हो जाएगा, ओएच माइनस अलग हो जाएगा। अब ऊपर से मैं कोई भी मेटल आयन डालूंगा, अगर अब ऊपर से मैं कोई भी मेटल आयन डालता हूँ एम एन प्लस, वो एम एन प्लस मैक्सिमम केसेस में प्रेसिड बन जाएगा। एम एन प्लस जो है यहाँ पे आकर के प्रेसिड बन जाएगा। जैसे मैंने सीयू टू प्लस डाला, तो CuO छोल ट्वाइस का ब्लू प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मैंने Mn2+ डाला, MnO छोल ट्वाइस का पिंक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इस तरीके से, सही ना? ये O चाइन का Na, तो सोडियम जो मेटल है इसकी जो सॉल्ट होंगी, इसकी जो सॉल्ट होंगी या इसका हाइड्रोक्साइड वगैरह, वो क्या होगा, सॉल्युबल होंगे, वो सॉल्युबल होंगे। लेकिन बाकी को अगर तुम्हें ध्यान हो, जब मैंने प्रेसिपिटेट वाला टॉपिक लाया था, तो O2- या OH- किस किस को प्रेसिपिटेट बनाता था, इसके साथ सब प्रेसिपिटेट थे, याद है कि नहीं? ये यस गर्व कौन कौन से थे प्रेसिपिटेट इसके साथ? सर। एक तो वो थे NH4+ एल्कली मेटल्स, और वो तीन, वो Ba2+ Sr2+ और वो Ca2+। हाँ, वो तो सॉल्युबल थे ना, गर्व, अमोनियम आयन्स, हाँ मतलब वो सॉल्युबल फर्स्ट थे, अल्कली बाकी मेटल, सारे प्रेसिपिटेट थे। हाँ, और इसमें भारत सरकार कह लो या बकासुर, है ना, ये सब क्या थे, सॉल्युबल, ये सॉल्युबल थे इसका, अगर प्रॉपर अमाउंट में वो चाइन्स है तो। ये सब सॉल्युबल है, ये सब सॉल्युबल है, इसके अलावा जितने भी होंगे सब प्रेसिपिटेट होंगे, इसके अलावा जितने भी होंगे सब प्रेसिपिटेट होंगे वो चाइन्स के साथ। हाँ, अगर एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, ये ना, अगर एम्फोटेरिक मेटल है तो वो सॉल्युबल हो सकता है, अगर एक्सेस बनने में चाहे, वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। जैसे एम एन प्लस है, एम एन प्लस, इसमें मैंने डाला एन ओ एच, तो क्या आ जाएगा, एम ओ एच होल एन, इसका बन गया प्रेसिपिटेट। लेकिन एम यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, एम शुड नॉट बी इक्वल टू, ध्यान देंगे, एम शुड नॉट बी इक्वल टू दिस, ये नहीं होना चाहिए एम, क्योंकि ये हो गया तो सॉल्युबल, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब इसके अलावा एम्फोटेरिक मेटल्स भी पता होने चाहिए, वो तो मैंने तुम्हें बता रखा है कौन कौन से हैं। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश, ये ध्यान आ गया कि नहीं है? और इसमें यस स्पेशल केस याद रखना, एमएन का, हाँ, एमएन का प्लस MnO2 होता है, यानी Mn+4 में होना चाहिए, क्रोमियम +3 में, बाकियों के भी केसेस हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना तुम, ये दोनों केस जरूर याद रखना, Mn का +4 में और Cr का +3 में। तो ये अगर एक्सेस ऑफ एनर्जी डाल दिया इनके इनके साथ, तो ये भी सॉल्युबल होंगे, एक्सेस ऑफ एनर्जी में ये भी सॉल्युबल होंगे, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनएच में ये प्रेसिपिटेट होंगे, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनएच में ये प्रेसिपिटेट होंगे। और मैं इसमें तुम्हें बता देता हूँ एक बार, एक दो एग्जाम्पल लेकर के, जो मैंने पहले भी कराया वो तुम्हें, जैसे मैंने मान लो ZnCl2 ले लिया, या Zn2+ आयन ले लिया, Zn2+ आयन ले लिया, या ZnCl2 ले लिया, इसमें एनएच डाला इनिशियली, तो ZnOH होल ट्वाइस बन जाएगा, और ये होता है वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, ध्यान रखना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अगर है, हमेशा व्हाइट पीपीटी मिलेगा वो चाइन्स के साथ, अगर हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो। एस ब्लॉक या पी ब्लॉक है तो पीपीटी अगर बन रहा है तो हमेशा व्हाइट बनेगा, और D10 में भी व्हाइट पीपीटी, SP और D10, ये केस मत भूलना, इस केस में व्हाइट पीपीटी बनेगा अगर प्रेसिड बन रहा है तो। अब जेड एन ओ चोल्टोइज बन गया, अब अगर मैंने इसके अंदर एक्सेस ऑफ एनर्जी डाल दिया, तो रिएक्शन तुम्हें याद होगी सबको, मैंने बताया था तुम्हें इवन बनाना है ओ चाइन्स को, याद है ना, हाइड्रोजन चैप्टर में कराया था, यस सर। पहले बनेगा Na2ZnOH4 बनेगा, जिसको हम सोडियम जिंकेट, और Na2ZnO2, वाटर बाहर निकाल देना, Na2ZnO2, ये सॉल्युबल एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ, एम्फोटेरिक एलिमेंट के साथ हमेशा ये होगा। जैसे मैंने Zn2+ के साथ बताया एक, ऐसे ही Al3+ के साथ, या AlCl3 के साथ, Al3+ है, NaO जाला तो व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, पहले AlOH3, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा ये, व्हाइट पीपीटी, और एक्सेस ऑफ NaO डाल दिया तो Na इवन बनाएंगे OH को, NaAlOH4 आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, NaAlO2, क्लियर है?
यस सर, तो ये था सकता है NaAlO2, ये आ जाएगा और ये सॉल्यूबल। ये क्या है? सॉल्यूबल, एक्सेस में सॉल्यूबल और लिमिटेड में प्रेसिपिटेट। एक्सेस में सॉल्यूबल, लिमिटेड में प्रेसिपिटेट, ये याद रखना एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ। ये बताया हो ना पहले। यस सर, चलो अब नेक्स्ट जो है, याद करते रहना साथ साथ। नेक्स्ट जो है, अब इसमें अगर मैं कुछ कलर्ड मेटल्स की बात करूं, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल क्या है, जैसे Cu2+ और Cr2+। Cu2+ ब्लू होता है, Cr2+ भी ब्लू है। ओ चार्ज डाला इसके अंदर मैंने, ओ चार्ज डाला इसके अंदर तो बनेगा, या एनओ डाला तो CuOH होल ट्वाइस, ये भी ब्लू। CrOH होल ट्वाइस, ये भी ब्लू, याद रखना दोनों ब्लू कलर के हैं, ये दोनों ब्लू कलर के। और बात करें अगर Fe3+ की, या Fe3+ की बात करें, Fe3+, तो Fe3+ में वो चॉइस आएगा तो FeOH होल थ्राइस, ये बनेगा रेडिश ब्राउन PPT। ये तो पता ही है इसके बारे में। तो ये क्या है? रेडिश ब्राउन PPT, क्लियर? रेडिश ब्राउन PPT। नेक्स्ट जैसे मैंने लिया, नेक्स्ट लेंगे अगर Fe2+, ये दूसरा केस था। तीसरा Fe2+, Ni2+, Cr3+, इसमें कौन सा कलर आएगा? ग्रीन। हाँ, FeOH होल ट्वाइस ग्रीन, NiOH होल ट्वाइस ग्रीन, Cr का तो सबको याद ही होगा, ये भी ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर के PPT है सभी। PPT है तो एरो नीचे, गैस है तो एरो ऊपर, ये सब गैस क्या है? PPT है तो नीचे की तरफ एरो। और बहुत इंपॉर्टेंट Mn2+ और Mn2+ और CO2+, दोनों के दोनों पिंक कलर के। इसको ऐसे याद रखना है, मन को, मन को कौन सा कलर पसंद है? तो पिंक, पिंक से याद करना। MnOH होल ट्वाइस, COOH होल ट्वाइस, पिंक कलर के दोनों। ये दोनों कौन से कलर के? पिंक कलर के। ये वाले कलर याद कर लेने जरूर, ये बहुत कॉमन है, ये पूछे जाते हैं इसलिए। कर लोगे ना इसको याद? नोट कर लिया है? यस सर, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, भूलना नहीं है। एम्फोटेरिक मेटल्स, एमोनियम, अल्कली मेटल्स और भारत सरकार, ये आ जाता है तो वो चाइन्स के साथ प्रेसिपिटेट बनेगा। बस एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं तो एक्सेस ऑफ एनओएच के साथ सॉल्यूबल, एक्सेस ऑफ एनओएच के साथ सॉल्यूबल। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, सही ना? क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे मैंने बोला AlCl3, PbCl2, SnCl2, ZnCl2, BiCl3, BiCl3, CrCl2, CrCl3, MnCl2, COCl2, CuCl2, CuCl2 आ गया। इसके अलावा FeCl3, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, कितने हो चुके हैं ये? और कौन से रह गए? चलो इनमें तुम ट्राई करो, तुम्हें बताना इनमें से कौन सा एक्सेस ऑफ एनएच में सॉल्यूबल है, इनमें से कौन सा एक्सेस ऑफ एनएच में सॉल्यूबल है, देखते हैं सही होता है। एक और लिख लो, NiCl2 रह गया, NiCl2, FeCl2 लिखा है, FeCl2 नहीं, FeCl2 लिख लो, FeCl2। इनमें से तुम्हें बताना है कि कौन सा एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्यूबल है। निकालो जल्दी आंसर।
हो गया सर। और किसे कर लिया है? हिमांग ने कर लिया है, और किसे किया था? चलो फिर नोट करो आगे। देखो हिमांग बता कितने हैं प्रेसिडेंट है जो एक्सेस सॉरी सॉल्युबल है, जो एक्सेस बनने में सर 8 आ रहे हैं एट। और किसी ने निकाला है? सर, 6 सिक्स अर्जुन ने, सर, सॉरी 7 नवीन नवीन का 7, सर, 10 आ रही। और कोई? 10, 7, 8, 10, और कोई? चलो अब देखेंगे आंसर। देखो मैं बात कर रहा हूँ एक्सेस ऑफ एनएच की, AlCl3, अगर AlCl3 है, एनएच डाला इसके अंदर, अगर मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, बाकी सब डायरेक्ट बताऊंगा। AlO चौथा इसका प्रेसिडेंट बन जाएगा व्हाइट कलर का, और अगर मैंने इसमें एक्सेस ऑफ एनएच डाल दिया तो NaAlO2 बन जाएगा, जो कि सॉल्यूबल, सॉल्यूबल। तो यानी ये तो आ गया सॉल्यूबल, एक्सेस ऑफ एनएच लिमिटेड में प्रेसिपिटेट, एक्सेस में सॉल्यूबल। सेम ऐसे ये भी एम्फोटेरिक है, PbO छोटा वाइज बनेगा, फिर बनेगा Na2PbO2, तो ये भी सॉल्यूबल एक्सेस में। ये भी एम्फोटेरिक है, तो लिमिटेड में SnO छोटा वाइज बनेगा, प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, और एक्सेस में सॉल्यूबल, ये भी सॉल्यूबल, ZnCl2। ZnO छोटा वाइज प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि ये भी एम्फोटेरिक है, तो एक्सेस में ये भी सॉल्यूबल। BiCl3, BiCl3 होगा BiO छोटा वाइज का, व्हाइट PPT, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी एक्सेस में, तो इसलिए ये नहीं आएगा आंसर। CrCl2, CrO छोटा वाइज का प्रेसिपिटेट बनेगा ब्लू कलर का, CrO छोटा वाइज का प्रेसिपिटेट बनेगा ब्लू कलर का, आगे सॉल्यूबल नहीं है। CrCl3 एम्फोटेरिक है, क्रोमियम +3 में है, तो इससे CrO छोटा वाइज बनेगा, एक्सेस में डालेंगे तो Na2CrO4 बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा, या NaCrO2, या NaCrO2 जैसे NaAlO2 बनता है, तो ये भी सॉल्यूबल है। MnCl2, MnCl2 का MnO छोटा वाइज बन जाएगा पिंक कलर का, तो ये प्रेसिपिटेट है, पिंक कलर का प्रेशर बन जाएगा ये MnO छोल्ट वाइज। COCl2 का भी COO छोल्ट वाइज पिंक कलर का प्रेशर बन जाएगा, CuCl2 का CuOH छोल्ट वाइज ब्लू कलर का प्रेशर बन जाएगा, FeO छोल्ट वाइज रेडिश ब्राउन कलर का प्रेशर बन जाएगा। BeCl2 एम्फोटेरिक का ये, तो Na2BeO2 बन जाएगा, सोडियम बेरिलेट, तो ये भी एक्सेस में सॉल्यूबल है। और MgCl2 ये तो क्या रहेगा एक्सेस में, क्या रहेगा ये भी MgCl2 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट, बिल्कुल सही है प्रेसिपिटेट। और फिर CaCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, ये लिखवा रखा है मैंने तुम्हें भारत सरकार के अंदर, तो तीनों के तीनों ये सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। NaCl2 NaOH छोटा वाइज का प्रेशर बन जाएगा ग्रीन कलर का, FeCl2 FeO छोटा वाइज ग्रीन कलर का प्रेशर बन जाएगा। तो अब देख लो कितने सॉल्युबल आए हैं, कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहे हैं ना, 9 है ना, यस सर, किसी का सही नहीं हुआ ये। हिमांग कौन सा गलत हुआ है? वो एक CSEL2 लिखना भूल गया था, बाकी सब लिख, एक CSEL2 रह अच्छा गया। चलो समझ आ गया सबको कि नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में काफी आते हैं, समझ आ गया कि नहीं है? यस ये वाला एक क्वेश्चन मैंने ये करा दिया, एक क्वेश्चन और लिखेंगे अभी। और अच्छा चलो इसी क्वेश्चन में मैंने बोला लिमिटेड में कौन सा सॉल्यूबल होगा, लिमिटेड में बताओ, लिमिटेड में कौन सा सॉल्यूबल होगा, ये भी बताओ क्वेश्चन। सर 3, 3 कौन कौन से? हाँ सर BaC कैल्शियम सोल्यूशन में। हाँ और कोई इसके अलावा तो नहीं है? समझ आ गया कि नहीं, लिमिटेड में तो वही होंगे ना, भारत सरकार अमोनियम फर्स्टे, क्लियर सबको कि नहीं? एक, ये तीन ना देख हिमांग, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय एक्सेस एनएच या KOH? एक्सेस एनएच या एक्सेस KOH से कौन सा सेपरेट हो पाएगा? ठीक है ना, एक्सेस एनएच से या एक्सेस KOH से कौन सा सेपरेट हो पाएगा? के प्लस, SN2+, देखो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? विच द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय एक्सेस एंड एनएच? सर एक्सेस में, लिमिटेड में एक्सेस
हिमांग गर्व दो ने कर लिया, और किसने किया है? हाँ फर्स्ट बोलो, हिमांग फर्स्ट वाला सेपरेट हो पाएगा एक्सेस से कि नहीं? नो सर, हाँ, क्योंकि एक्सेस में अगर SN2+ में डालेंगे तो पहले तो प्रेसिडेंट बन जाएगा SNO2 का, और उसके बाद क्या हो जाएगा Na2SNO2 बन जाएगा जो कि सॉल्युबल है। नेक्स्ट वाला यस सर, वाला हो जाएगा। CaO2 सॉल्युबल, CuO2 ब्लू कलर का प्रेसिपिट, ये सॉल्युबल हो जाएगा, प्रेसिपिट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सर वो भी हो जाएगा। FeO2 ग्रीन कलर का प्रेसिपिट, और AlO2 पहले प्रेसिपिट बाद में सॉल्युबल। नेक्स्ट डी, सर वो नहीं होगा। हाँ क्योंकि तो इस पे भी सॉल्युबल बनेगा, इस पे भी सॉल्युबल बनेगा, लिमिटेड में दोनों में के, दोनों के अंदर प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट सर नेक्स्ट ई वाला सर हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा, CaO2 सॉल्युबल एक्सेस में, Na2SNO2 भी एक्सेस में सॉल्युबल। तो नेक्स्ट वाला सर नेक्स्ट वाला नहीं होगा। नेक्स्ट वाला बी वाला ना, यस सर, बेरिलियम एम्फोटेरिका तो एक्सेस में सॉल्युबल, SR तो है ही सॉल्युबल, तो इसके नहीं होगा सेपरेट। नेक्स्ट जी वाला पार्ट, सर हो जाएगा। और सर उसमें हाँ सर हो MgO2 जाएगा। इनसॉल्युबल, MgO2 इनसॉल्युबल और CaO2 सॉल्युबल। सर ई वाला भी तो हो जाएगा कैसे होता? सर, ये SN वाला एक्सेस में कट लेगा, हाँ सर ई हो मतलब जाएगा, मैंने बोला था सर ई, सर ई बोला ऐसा था ई तो बताई हो दो। जाएगा। हाँ ई तो, हाँ ई हो जाएगा। ई वाला यस ये Ca2+ है ना, Ca2+ कैसे होगा बता? सर, सी ए SN2 नहीं, प्लस SN क्या है? SN तो तो सॉल्युबल है एम्फोटेरिक हो एक्सेस गया में, और ना। CA भी, हाँ SN तो सॉल्युबल है ही, और CA भी तो सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल ये तो नहीं होगा ना सेपरेट, समझ आ गया कि नहीं? सर एक बार SN वाले का रीजन बता दो। Na2SNO2 बन जाएगा ना सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक्सेस में। अच्छा, ओके सर। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, लिमिटेड में कौन सेपरेट होगा, लिमिटेड अमाउंट में? निकाल लिया लिमिटेड में। सर बस एक सेकंड, सर ए बी ई और जी। ए बी ई और जी, ध्यान रखियो, मैं आंसर बता रहा हूँ अभी। देखो लिमिटेड सर खाली एफ में, और जी, वो लिमिटेड खाली के एफ वाला होगा। खाली एफ वाला तेरा आंसर है, उसका आंसर है ए बी ई जी। देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखो, अगर मैं बात करूं लिमिटेड में, तो SNO2 इसका प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये तो सॉल्युबल ही होगा, तो प्रेसिडेंट सेपरेट हो गया कि नहीं लिमिटेड में। और दूसरा Ca2+ Cu2+ है, तो CuO2 का प्रेसिडेंट बन जाएगा और CaO2 सॉल्युबल होगा, तो ये भी सेपरेट हो जाएगा कि नहीं? सर आपने वो जो बताया था, जब मतलब जब ठीक ठाक अमाउंट हो जब ही तो प्रेसिपिटेट होते हैं वो एल्कली मेटल्स वाले, वो सॉल्युबल होते हैं जब ही। कौन से? हाँ तो लिमिटेड में तो ये तो होगा ही ना, ये तो हो रही है, वो चांस मिल गए इनको तो होंगे। तो मतलब सर वो तो फिर सॉल्युबल, वो सॉल्युबल हो गए ना, सॉल्युबल जब होंगे ना, जब हाँ एक्सेस सॉल्युबल में हो गए, होगा। और ये नहीं एक्सेस में होगा तब ये सॉल्युबल होगा ना, ये सॉल्युबल होंगे एक्सेस में, अच्छा मतलब लिमिटेड में ये नहीं, होगा ये तो वो नहीं जो आपने कॉपर अलग में। से लिखवाए थे वो मतलब वो प्रेसिपिटेट बनेंगे। वो तो हाँ वो सॉल्युबल ही, हाँ वो तो है प्रेसिड बनेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब ये आ गया Fe2+ Al3+,
तो एफ ई ओ सल्फाइड तो प्रेसपेट रहेगा, ए एल ओ सल्फाइड भी प्रेसपेट रहेगा, दोनों प्रेसपेट रहेंगे लिमिटेड में रहेंगे कि नहीं। यस यस सर, एक्सेस में तो, एक्सेस में तो अगर एक्सेस में होता तो सेपरेट हो जाते, ए एल थ्री प्लस सी आर थ्री प्लस लिमिटेड में प्रेसिपिटेट और एक्सेस में सॉल्युबल, तो ये भी सेपरेट नहीं होंगे। सी ए टू प्लस एस एन टू प्लस लिमिटेड में एस एन ओ सल्फाइड प्रेसिपिटेट लेकिन सी ए सल्फाइड सॉल्युबल, तो ये सेपरेट हो गए। बी ई टू प्लस लिमिटेड में दोनों के लिमिटेड में बी ओ सल्फाइड प्रेसिपिटेट लेकिन एस आर ओ सल्फाइड सॉल्युबल, तो सेपरेट हो गए, तो सेपरेट हो जाएंगे। एम जी टू प्लस सी ए टू प्लस ये दोनों लिमिटेड में, एम जी ओ सल्फाइड क्या होगा प्रेसिपिटेट लेकिन सी ओ सल्फाइड क्या होगा सॉल्युबल। आ रहा समझ के नहीं? तो यस सर, यस सर, सेपरेट सेपरेट होगा कि नहीं? हो जाएगा सर। यस सर, समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यस सर, और अगर वो था विच द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन एनी वे, अगर सिर्फ क्वेश्चन यही होता, विच द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय एनी वे, सॉरी विच द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय एनी वे, फिर क्या आंसर? डी वाले को छोड़ के सारे। देखो अगर सेपरेटेड बाय, तो इसमें तुम चाहो तो लिमिटेड में ले लो और चाहो तो ले लो एक्सेस में, तो अब देख लेते हैं एक बार। लिमिटेड में पहला वाला सेपरेट हो जाएगा, लिमिटेड में दूसरा भी सेपरेट हो जाएगा, एक्सेस में तीसरा सेपरेट हो जाएगा, और ये तो नहीं होगा कि दोनों एक जैसे ही हैं। ये नेक्स्ट वाला लिमिटेड में सेपरेट हो जाएगा, और बी ओ सुल्टाइज एस आर ओ सुल्टाइज लिमिटेड में सेपरेट हो जाएगा, और नेक्स्ट वाला भी लिमिटेड में सेपरेट हो जाएगा। यही बोला था तूने गर्व? यस सर, समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया कि जी नहीं? यस सर, एक इस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे लिख दिया पीबी टू प्लस प्लस एनएच, या पीबीसीएल टू प्लस एनएच, ये दिया ए प्रेसिपिटेट है कि क्या है, और एनएच एक्सेस में तो क्या होगा पहला, फिर दिया बी आई सी एल थ्री दे दो या बी आई थ्री प्लस दे लो, एनएच में क्या होगा, ए मिला प्रेसिपिटेट है कि सॉल्युबल है, एक्सेस में एनएच डाल दिया तो क्या होगा, फिर ले लिया कोई भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एम एन टू प्लस या एम एन सी एल टू ले लो, एनएच डाला तो क्या होगा, ए मिला एक्सेस में डाला एनएच तो क्या होगा, समझ आ रहा कि नहीं है? इससे क्वेश्चन आते हैं, बी ए टू प्लस है एनएच डाला तो क्या होगा, ए मिला एक्सेस में एनएच डाल दिया तो क्या होगा, बी मिल गया, बी को बताना सॉल्युबल है प्रेसिपिटेट है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ। बी ई टू प्लस एनएच ए एक्सेस में एनएच बी, 2 मिनट का टाइम लगा के इसके आंसर बोलो, ये सब तुम कर चुके हो। सी यू टू प्लस एनएच सी आर टू प्लस सी आर थ्री प्लस एफ ई थ्री प्लस, चलो आंसर देख लेंगे एक बार इसके। हाँ सर मैं बोलूं गर्व सर, गर्व, पहले वाले में ए प्रेसिपिटेट और बी सॉल्यूबल। ए प्रेसिपिटेट पीवीओ छोटा इसका, और बी एन ए टू पीवीओ टू सोडियम प्लम्बाइट ये सॉल्युबल, यही ना गर्व? यस सर, नेक्स्ट दोनों प्रेसिपिटेट होंगे। बी आई ओ सल्फाइड प्रेसिपिटेट अगेन नो रिएक्शन, सही है? यस सर, नेक्स्ट ए प्रेसिपिटेट और फिर बी सॉल्युबल। नहीं सॉल्युबल क्यों, सॉल्युबल क्यों है? सर Mn+2 में आ गया ना एक्सेस, फिर वो एम्फोटेरिक हो गया। एम्फोटेरिक कहाँ आ गया? एम्फोटेरिक कैसे हो गया? Mn4+ होता है ना एम्फोटेरिक, अच्छा हाँ, Mn4+ होता है। नो रिएक्शन, सही है? यस सर,
सर इसमें बी ए टू प्लस। दोनों सॉल्यूबल रहेंगे। हाँ, उससे आगे बी टू प्लस में सर पहले पीपीटी बन जाएगा, फिर वो हो जाएगा सॉल्यूबल। सॉरी बोल, एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट, हाँ सर दोनों दोनों प्रेसिपिटेट। और आगे रिएक्शन नहीं होगी ना, यूज यस होता है। सर। नेक्स्ट। Cr2+ तो सर प्रेसिपिटेट दोनों। ब्लू कलर का, ऊपर भी ब्लू कलर का, ये भी ब्लू कलर का, ब्लू। यस सर। और आगे नो रिएक्शन। Cr3+, CrO3 आ गया ग्रीन कलर का, और यस आगे सर क्या हो फिर जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा फिर। Na2Cr4 सॉल्यूबल। नेक्स्ट, इसमें सर दोनों प्रेसिपिटेट बनेंगे। बस आगे तो नो रिएक्शन ना। आगे नो रिएक्शन हो। समझ आ गए क्वेश्चंस की नहीं अब? यस सर। आप NaOH की रिएक्शंस पढ़ी हैं आज, बिल्कुल ढंग से कर लेना इसको। ऐसे ऐसे ही मैं कल तुम्हें NH3 करा दूंगा, और सेम यही रिएजेंट होंगे, यही मेटल आयंस होंगे। बोलूंगा NH3 डाला इधर, NH3 डाला इधर, तो क्या हो, समझ गए कि नहीं? तो इसको पहले ढंग से पढ़ लेना, फिर करेंगे आगे। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी यूज होनी है, 12th में भी यूज होती है, 12th में भी बहुत जगह यूज होगी, क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स में, डीएनए ब्लॉक में, पहले से आता होगा तो फिर सही लगेगा तुम्हें। तो इसको कर लेना, लिख लिख के देख लेना जरूर, होमवर्क करके आना अगर कल मैं ऑफलाइन रखता हूँ। सही ना, घर मेरे को भेज देना है। यस सर। और तुम लोग अपना जो मैसेज डाला होगा मैम ने, तुम रजिस्टर करा लो अपने आपको ना 1 मार्च से पहले।